like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. गाइस आ चुके हैं हम फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज फाइनली हम दो दिन बाद हमारी स्टॉल खुलने जा रहे हैं। किसी कारण वो दो दिनों से बंद थी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए हुए थे, मतलब मेरे यहाँ नहीं, मतलब हमारे शहर में। इस कारणवश शॉप बंद थी। तो मिलते हैं फाइनली शॉप ओपन करते वक्त। तो अभी फाइनली नाश्ता आ चुका है, तो हम खाते हैं अपना नाश्ता जो कि रात का दाल चावल है। तो उसको खाने के बाद आपसे मिलते हैं। सिब्बू हेली गाइस, नाश्ता हमारे यहाँ पे फिनिश कर दिया है और अब हम दुकान का माल वगैरह रेडी कर रहे हैं। तो अब हम स्टॉल के लिए जाएंगे, फिर तुम्हें बताता हूँ हमारी दुकान आज कैसे और कैसे खुल रही है और किस तरीके से बंद रही। से बाय बाय। फाइनली गाइस, हम यहाँ पे अपने दुकान मतलब स्टॉल का माल रेडी कर रहे हैं। मूँगफली भून रहे हैं जो कि अभी इसकी चटनी बनेगी। और हमने यहाँ पे चटनी के लिए तैयारी कर ली, टमाटर मिर्ची और ये रखा होगा मंचूरियन। और हमारी नूडल्स वूडल्स भी तैयार है, बस अभी इन्हें पीसना वासना है। तो हम इसे पीस के मिलते हैं, पीसते वक्त मिलते हैं। ठीक है, चलो चटनी पीसते हैं। अब हम यहाँ पे चटनी अपनी भगा रहे हैं क्योंकि मिक्सी में पीस चुकी है ये। और इसमें तेल, अदरक, लहसुन वगैरह वगैरह का पेस्ट डला हुआ है। तो इसे अब हम पकने देते हैं थोड़ी देर स्लो फ्लेम में। तो जैसे ही हो जाएगी तो फिर हम अपनी दुकान के लिए मतलब स्टॉल के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए कटिंग करते हैं। हमने यहाँ पे प्याज वगैरह चॉप कर लिया है। अब हम अपनी चलते हैं चटनी की ओर वगैरह हो गई है, अब हम चलते हैं अपने स्टॉल की ओर। हम यहाँ पे रेडी हो चुके हैं अपनी शॉप जाने के लिए। तो लेकिन थोड़ा सा हमारी गाड़ी का जो बैक टायर है वो पंचर हो चुका है, तो उसे बनवाने हमारे छोटे भाई लोग गए हैं। तो जैसे ही आते हैं फिर हम निकलते हैं अपनी दुकान के लिए, फिर वहाँ पर शॉप खोल के आपसे मिलते हैं। सिब्बू गाइस, हमारी गाड़ी बन के आ चुकी है जो कि इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको, बैक टायर यहाँ पर कीड़ा घुस गया था। तो अब हम चलते हैं अपनी शॉप की ओर, तो मिलते हैं शॉप में। तो फाइनली गाइस, हम अपना सामान वगैरह लेके आ चुके हैं और अभी हमारे छोटे भाई लोग आ रहे हैं दुकान का मतलब पूरा सेटअप लेके। जैसे ही सेटअप आता है तो फिर हम अपनी दुकान खोलते हैं दो दिनों बाद, और देखिए हमारी जगह खाली पड़ी है। तो जैसे ही आते हैं फिर हम अपना स्टॉल खोलते हैं। गाइस, छोटे वाले भाई लोग मेरे अपना मतलब स्टॉल का सामान लेके आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वो आ रहे हैं स्टॉल का सामान लेके। वाई नॉट मोमोज ये आ चुके हैं, अब यहाँ पर स्टॉल लेंगे। फ्लैक्स आ चुका है, तो चलो अब दुकान लगाते हैं। गाइज, हमने अपने यहाँ शॉप खोल ली है। तो आपको दिखाया मैंने जैसे वीडियो में, देख सकते हैं हमारी शॉप है छोटी सी।
जो कि 2 दिन बाद लगी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान आए थे। इस चक्कर में हमारी 2 दिन से शॉप बंद थी, तो आज से शॉप ओपन हो चुकी है। तो आज हम बनाएंगे फायर ब्लॉग। तो भाई जो फायर ब्लॉग है हमारा, वो तो रात में टूट होगी, दिन में भी इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो बाय, मिलते हैं शाम में। You're never gonna make it. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're gonna make it. There's no way that you make it. Yeah, maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, शाम हो चुकी है। हमें अपना फायर ब्लॉग का शाम को ही शूट करना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है। ये जो आप बस देख रहे हैं, ये वैन, मतलब ये पूरा हमारा स्पेस पूरी दुकान कवर कर चुका है। तो हम समझ सकते हैं आप, चलो कोई नहीं, अपन जब तक एक ग्राहक आया तो उसको अपन दिखाते हैं अपन फायर ब्लॉग। फाइनली गाइस, जिस चीज़ का आपको सुबह से इंतज़ार था, अब हम वो करने वाले हैं, फायर ब्लॉग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये भैया क्या कर रहे हैं यार? भैया क्या कर रहे हो जे? अरे मैंने देखा ये आग निकालने होता है। ये तो मैंने दुकानों में देखो भैया, आपको आता है क्या? हाँ हाँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था फायर ब्लॉक का, तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है ये। तो अभी हम ये कस्टमर का राइट रेडी करते हैं। तो फाइनली गाइज, हम आ चुके अपने रूम पे। तो आई होप आज का आपको फायर ब्लॉग अच्छा लगे। अरे मेरे बालों पे ध्यान मत दीजिए, बहुत दिन भर से स्टॉल पे था, इस चक्कर में ऐसे हो चुके हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का फायर ब्लॉग कैसा था। और से बूम गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। से बाय बूम। I'm floating through the air.